रोमन रेंस स्मैकडाउन के 1200वें एपिसोड में अकेले पड़ जाते हैं क्योंकि ना होते हैं उनके साथ पॉल हेमन, ना होते हैं उसोस और माइक भी प्रोडक्शन टीम से कोई देता है। और रोमन रेंस आके यही बात करते हैं कि कोई भी अगर बोल रहा है कि वो इस कंपनी को कैरी कर रहा है ऑन हिज बैक तो वो झूठ बोल रहा है, फेस है तो वो झूठ बोल रहा है, और ड्रू मैकइंटायर तो तुमसे झूठ बोल ही रहा है, और ड्रू मैकइंटायर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, रोमन रेंस सब कुछ कर रही है, सब कुछ रोमन रेंस है, फेस ऑफ द कंपनी रोमन रेंस है, ये सब बोलते हैं और कहते हैं कि ड्रू मैकइंटायर को वो एक्सपोज कर देंगे क्लैश एट द कैसल में। और उसी बात को सुन के ड्रू मैकइंटायर आ जाते हैं और ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि मैं कोई झूठा वूटा नहीं हूँ, रोमन रेंस झूठा है, और रोमन रेंस बिना पॉल हेमन और उसोस के बहुत वनरेबल हो जाता है, कोई भी हरा सकता है रोमन रेंस को उसके बिना, ड्रू मैकइंटायर ने बोला। और आज दोनों के दोनों नहीं है तो चलो फाइट करते हैं, और फाइट हो जाती है आमने सामने, प्रॉल हो जाता है ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस का फर्स्ट शॉट, ड्रू मैकइंटायर लेते हैं रोमन रेंस से, पर उसके बाद ड्रू मैकइंटायर जब क्लेमोर देने जाते हैं तो सैमी ज़ेन आ जाते हैं एकदम से, जो कि बहुत बढ़िया शॉट लगता है, क्राउड भी चीयर करता है, और सुपरमैन पंच होता है रोमन रेंस का, ऑनररी यूज अपना काम कर देते हैं, पर उसके बावजूद भी क्लेमोर खा जाते हैं रोमन रेंस ड्रू मैकइंटायर से, और बहुत ख़तरनाक क्लेमोर खा जाते हैं। और उसके बाद ड्रू मैकइंटायर पे दोनों के दोनों टाइटल्स होल्ड करके दिखाते हैं कि फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है।